तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोट रॉकर्स 400। तो दोस्तों जब आपको पार्सल रिसीव होता है तो कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखाई देगा। आगे आपको कार्तिक आर्यन मिलता है, पीछे आपको KR आडवाणी मिलेगी, तो आपको कौन पसंद है देख लो। तो बॉक्स तो कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड आपको ग्रीनिश कलर में दिखाई देगा, यहाँ पे बोट लिखा हुआ दिखाई देगा एंड पीछे आपको जो इसके फीचर्स है वो सारे बताए गए हैं। तो जल्दी से बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। बॉक्स जैसे ही खोलते हो तो आपको एक मेन प्रोडक्ट, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा और कुछ आपको पेपर वर्क्स मिलते हैं जैसे कि मैनुअल्स वगैरह एंड एक वारंटी कार्ड मिलते हैं। तो वारंटी कार्ड रख दो, बाकी की चीज़ें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आपको कुछ केबल्स भी मिलते हैं, ये एक माइक्रो USB केबल है, आप चार्जर के कोई भी चार्जर हो उसके साथ कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हो एंड ये एक ऑक्स केबल है, जब भी इसका चार्जिंग खत्म होगा डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट करके मतलब प्ले कर सकते हो म्यूज़िक जो भी आपको चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बॉक्स भी थोड़ा साइड में रखते हैं और हमारे मेन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी 450 प्रो मतलब बोट 450 प्रो भी अनबॉक्सिंग किया है, 510 भी अनबॉक्सिंग किया है, मतलब बोट के जो मेन हेडफोन्स है वो सारे अनबॉक्स किए हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा आपको वहाँ पे अलग हेडफोन दिखाई देगा, आप सारे वीडियोस देख लो, थोड़ा सा ये उन कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें दोस्तों तो कुछ बहुत ही अच्छी मुझे बिल्ड क्वालिटी लगी। अगर आपने बोट 450 देखा होगा तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा है बट उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी, बट ये दिखने में भी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप वगैरह देखोगे तो ये सारी की सारी मेटल से बनाई गई है, कंप्लीट मेटल है और टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं आता और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट लगा मुझे। उसके साथ अगर ऊपर का भी स्ट्रैप देखो, ये प्लास्टिक वगैरह इतना मैं प्रीमियम नहीं बोलूँगा जो कि बोट 450 वगैरह में आते हैं, बट इसकी प्राइस रेंज अगर हम देखें तो ये अराउंड आपको 1200 से 1300 तक मिल जाएगा, तो उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको फोम मिलता है, इतना अच्छा फोम नहीं है बट मैनेजेबल है इस प्राइस रेंज में। अगर आप कुशन्स भी देखोगे तो कुशन्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, जो बोट 450 वगैरह होते हैं उनमें आपको लेदर कुशन मिलते हैं, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना वो वियर एंड टीयर हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं थोड़े दिन के बाद ही, बट ये कंप्लीट जो है कॉटन है तो जब भी आप पहनोगे तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये रब तो नहीं हो सकता। तो कुशन की तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, एयर कप्स काफ़ी अच्छे लगे और बढ़िया तरीके से बिल्ड भी किया गया है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिखाई देगा और उसके साथ यहाँ पे आपको दो LED इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं, जब आप कनेक्ट करते हो या फिर इसको चार्जिंग को लगाते हो तो ये ऑन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। उसके साथ यहाँ पे आपको कुछ बटन्स भी मिलते हैं, मतलब अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हो या फिर सॉन्ग आगे लेना चाहते हो, प्ले करना चाहते हो या फिर पीछे लेना चाहते हो तो ये आप बटन्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रो USB का एक आपको पोर्ट मिलता है, उसके साथ ऑक्स केबल का भी एक पोर्ट मिलता है एंड कुछ इस तरीके से। बाकी आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता जो कि आपको नॉइज 1 में मिलता है, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी है। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो लगभग ये इतना एक्सटेंड होता है, मतलब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, इतना ज़्यादा ऊपर जो है इतनी हाइट इसकी रहती है और अगर आप पूरा इसको क्लोज करोगे तो अच्छी तरीके से बैठ जाता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये जो है ये ऑन ईयर हेडफोन है, ये ओवर ईयर हेडफोन नहीं है जो कि बोट 510 है, मतलब आप देख सकते हो इसके जो ईयर कप्स है वो काफ़ी छोटे हैं, मतलब आपके कान के ऊपर आते हैं, कंप्लीट जो आपका ईयर है वो कवर नहीं होता इससे, तो थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। उसके साथ दोस्तों ये कॉम्पैक्ट भी है, ये क्यों बताता हूँ मैं, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट फोल्ड कर सकते हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग और आसानी से किसी भी बैग में आप इसको कैरी कर सकते हो, मतलब जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट हो सकता है क्योंकि लाइट वेट तो है ही। उसके साथ अगर आप इसको इस तरीके से पहनोगे, एक दिक्कत मुझे क्या लग रही है वो मैं बता देता हूँ, ये जो है कंप्लीट मेटल है तो उसकी वजह से होता क्या है, जब आप पहनते हो थोड़ा सा जो प्रेशर है एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ईयर के ऊपर आ जाता है, उसके बाद मतलब
एक घंटे के बाद थोड़ा सा आपको आपका जो एयर है वो पेंट करना स्टार्ट कर देता है प्रेशर की वजह से। बाकी आपको दूर से ये लग रहा होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा हल्का है मटेरियल में, बट बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और टूटने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कम से कम प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, ऊपर से गिरा भी तो इतना ज़्यादा इसको डैमेज होगा नहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो है ये 40mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जो बोट के सारे ओवर हेयर हेडफोन्स है वो मैक्सिमम हेडफोन्स 40mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। उसके साथ साथ इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है, तो जब भी कनेक्ट करते हो अच्छी तरीके से और फास्टली कनेक्ट होता है, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आती। ब्लूटूथ की जो रेंज है वो मैक्सिमम 10 मीटर तक है, 10 मीटर की रेंज में अगर हो गए तो आपको कोई भी वहाँ पे कनेक्टिविटी की मतलब प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। उसके आगे जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा वहाँ पे आपको लॉस दिखाई देगा। मुझे एक पर्सनली चीज़ और ज़्यादा बोलनी है कि ये जो है 300mAh बैटरी के साथ आता है, तो आपको मैक्सिमम 10 से लेके 8 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिल सकता है। बोट 450 जो है वो काफ़ी आपको हाई बैटरी बैकअप देता है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा हाई 2000 तक वो चला जाता है, लेकिन ये आपको 1400 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके साथ साथ जब इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो मैक्सिमम ये 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। मैंने लगभग 80% जो है 1.5 घंटे में कुछ तो कंप्लीट किया था, बट मैक्सिमम आपको 2 आवर्स लगेंगे 100% चार्ज करने में। एक बार स्टैंड बाय पे रखोगे तो 100 आवर्स तक ये स्टैंड बाय पे रह सकता है, अच्छी तरीके से जो है कॉल्स वगैरह रिसीव भी कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी तगड़े लगे। IP रेटिंग नहीं है कोई भी, क्योंकि बोट के साइट पे फ्लिपकार्ट पे एंड अमेजोन पे ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है, तो मैं तो आपको IP रेटिंग के लिए कुछ बता नहीं सकता। वहाँ पे स्वेट प्रूफ भी है या नहीं ये भी नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है स्वेट प्रूफ तो डेफिनेटली होगा, बट वाटर प्रूफ या फिर वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आप देख के लो। और सारे हेडफोन की तरह इसमें भी एक फीचर ऐड किया गया है, वो है गूगल असिस्टेंट एंड सीरी का सपोर्ट। मतलब जब आप इसको पहनते हो और इसको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे ओके गूगल करके बोलना है, डायरेक्टली जो है आपके स्मार्टफोन के ऊपर जो गूगल असिस्टेंट होता है वो ऑन हो जाता है, तो डायरेक्टली वहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, तो इसमें वो फीचर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। अभी जो है थोड़ा से यहाँ पे हम म्यूज़िक क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने काफ़ी हेडफोन यूज़ किए हैं, बोट 450, बोट 450 प्रो भी किया है, 510 भी किया है, बट ये जो है थोड़ा सा मुझे अलग लगा वहाँ पे। बैलेंस साउंड जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा बेस भी नहीं है, थोड़ा सा मिड्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज की गए, उसके साथ जो ट्रेबल्स है या फिर जो आप सुनते हो वो अच्छी तरीके से वहाँ पे सुनाई देते हैं। मतलब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई देता है, क्योंकि बेस इतना ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल बेस है। आपको एक बैलेंस साउंड सुनने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मुझसे गिरा तो टूट जाएगा, तब उस केस में भी ये हेडफोन आप परचेस कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बोट 450 जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप अच्छी तरीके से उसको केयर नहीं करोगे, उसका हैंडल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो टूट जाता है, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं डेफिनेटली आप ये ले लो, आपको 100% वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बैलेंस साउंड सुनना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा बेस जो है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट ये काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेबल्स, मिड्स या फिर जो बेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हेडफोन था। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, उसके साथ ब्लैक कलर भी आपको वहाँ पे मिलता है, तो आपके हिसाब से आप कुछ भी वहाँ पे परचेस कर सकते हो। और स्पेशल एडिशन भी अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा है वो, बट वो भी आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा सा ग्रो करना है हमें, 10K जल्दी से जल्दी वहाँ पे कंप्लीट करने। और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपको कोई भी क्यूरी हो डायरेक्टली वहाँ पे डाल दो, हम उसके आंसर्स दे देंगे आपको। तो मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।